लास्ट कोच वाले प्रोजेक्ट में हम लोगों ने कॉलिंग किया था कैटे कोर्सेज़ का यहाँ पे फ़िलहाल लेकिन अब हम इस आगे वीडियो में इसमें स्टूडेंट के लॉगिन के लिए एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें हम लोग स्टूडेंट से लॉगिन कराएंगे साथ में उससे पासवर्ड भी ले, ले लेंगे ताकि उसको साइन अप कर सके तो इसके लिए पहले से मेरे पास लारावेल के प्रोजेक्ट में एक टेबल मिल जाता है जिसका नाम है यूज़र वो पहले से ही हो, एग्जिस्ट होता है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लोकल होस क्लास पी एच पी माई एडमिन यहाँ पर बेसिकली आपका जी इंटरफेस है और इस इंटरफेस में आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पर एक पहले से ही यूज़र नाम का टेबल एग्जिस्ट एक, होता है मैं आपको उसका मॉडल दिखा देता हूँ पहले से ही जब इंस्टॉल करते हैं तभी आपको यूज़र नाम का एक मॉडल मिलता है तो इस तरीके के, के मॉडल पहले से अवेलेबल हैं उसमें आपको कुछ डिटेल और ऐड करवा सकते हैं जिसके मदद से आप लॉगिन का सारा काम कर सकते हैं देखिए एक यूज़र जब रजिस्टर्ड करेगा तो हमको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं तो ये मेरा कोच प्रोजेक्ट का डेटा है और इस डेटा में यूज़र टेबल ऑलरेडी बन चुका होगा लेकिन जब हम माइग्रेट करते हैं तो ये ये टेबल बन जाता है ठीक है तो यहाँ पर हम इसको कोच को अगर यूज़र टेबल दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नेम ईमेल और पासवर्ड नाम के कॉलम्स अवेलेबल होंगे लेकिन मुझे इसके अलावा कुछ डेटा और भी चाहिए जैसे कॉन्टैक्ट नंबर फादर नेम या फिर उसके एड्रेस ये सारी भी इंफॉर्मेशन हम इसमें ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसी माइग्रेशन फ़ाइल में चेंज कर लेंगे लेकिन अगर आप आप, आप आपका डेटा अगर सीरियस डेटा है अगर आप अपने माइग्रेशन को दोबारा से रिफ़्रेश नहीं करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपके माइग्रेशन अलग बनेंगे यहाँ पर फ़िलहाल हम अपना इसी एग्जिस्टिंग जो मेरे पास यूज़र माइग्रेशन फ़ाइल है इसमें हम अभी एडिट कर लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टेबल है जो कि स्ट्रिंग में हमको कॉलम ऐड कराना है तो हमको नेम ईमेल के बाद कॉन्टेक्ट भी ऐड कराना है और इसमें भी हम यूनिक लगा देंगे ये एक मॉडिफायर है जो बेसिकली बताता है कि कॉन्टेक्ट नंबर जो एक बार इंसर्ट हो गया है वो दोबारा इंसर्ट नहीं होना चाहिए इसके बाद हम और भी कॉलम्स देख लेते हैं जैसे कि कॉन्टेक्ट uh, ई के अलावा मुझे एड्रेस चाहिए होगा और फादर नेम चाहिए होगा एड्रेस में यूनिक वाला लगाने की ज़रूरत नहीं है और हमको बेसिकली फादर नेम की ज़रूरत होगी तो हम एक फ़ादर नेम का भी फादर uh, नेम इस तरह से फादर नेम नाम का भी एक है ना कॉलम ऐड कर लेते हैं और ये एड्रेस सॉरी मैं मिटा दिया बेकार अब इस तरह से यहाँ पर नेम हो गया ईमेल हो गया कांटेक्ट हो गया फ़ादर नेम हो गया और एड्रेस हो गया इसके अलावा मुझे लगता है कि स्टूडेंट से जेंडर लेने की ज़रूरत होगी जेंडर इन्फॉर्मेशन में बेसिकली uh, हम इसको इनम में कन्वर्ट कर सकते हैं इनम इस तरह से और इनम डेटा टाइप में क्या होता है कि सेकेंड पैरामीटर भी पास करना पड़ेगा आपको यहाँ पर कि अपने को क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करना है जैसे हमको एम स्टोर करना है एफ स्टोर करना है और ओ स्टोर करना है ठीक है तो जेंडर कॉलम में तीन आ, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मेल के लिए एम एफ और ओ ठीक है ये तीन ही इन्फॉर्मेशन स्टोर होगा जो कि जेंडर के लिए हम इनम डेटा टाइप चूज़ किया इसके अलावा चौथा कोई भी वैल्यू इसमें स्टर्ड नहीं होगा तो ये जेंडर कॉलम ऐड हो गया ये आ, इसके अलावा मुझे नहीं लग रहा कि कोई कॉलम अभी ऐड करना चाहिए मैं इतना ही पे आगे बढ़ता हूँ ठीक है ठीक है तो मैं अगर यहाँ पर अभी माइग्रेट करूँगा तो ये मुझे बताएगा नथिंग टू माइग्रेट आप चेक कर सकते हो देखो आर्टिशन माइग्रेट तो जब मैं माइग्रेट करने जा रहा हूँ तो देखिए जो भी कॉलम्स पहले से एग्जिस्ट है वो माइग्रेट नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी माइग्रेटेड हैं तो आपके पास एक प्रॉब्लम आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पे अगर आप यूज़र टेबल पर देखेंगे तो इसमें कॉलम्स पहले पुराने वाले हैं जो पहले से थे लेकिन आपने जो अभी नए ऐड किए हैं वो इसमें इंटीग्रेट नहीं होंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा इसके लिए आपको माइग्रेशन को रिफ़्रेश करना पड़ेगा यानी कि आप, आपका पूरा टेबल का डेटा इरेज़ हो जाएगा अगर आप चाहते हैं कि नहीं नहीं इरेज हो तो आप माइग्रेशन फाइल अलग बना देते हैं अपडेट के पर्पज़ से तो फिलहाल के लिए मैं माइग्रेट वाला कमांड डाल के देख रहा हूँ लेकिन ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है तो ठीक है इसको एग्जीक्यूट होने देते हैं दिखाते हैं आपको नथिंग टू माइग्रेट लिखा हुआ आ गया देखिए इसका मतलब है कि माइग्रेशन कुछ भी नहीं कर पा रहा है लेकिन अगर आप रिफ्रेश करना चाहते हैं तो आपको रिफ़्रेश कमांड कॉलन लगा के लिखना पड़ेगा जिसके बाद आपका पूरा टेबल सारे टेबल का सारा डेटा इरेज हो जाएगा जिसके बाद आपको दोबारा से डेटा डालना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे कोई इशू नहीं है दोबारा डेटा डालने में क्योंकि मेरे पास जो भी डेटा वो सीडर से आ जाए तो इसलिए मैं मैग्रेट रिफ़्रेश कर लेता हूँ देखिए ये मैंने रिफ्रेश कर दिया और ये डेटा डिस्ट्रॉय हो गया ठीक है इसके अलावा मुझे क्या करना है इसके अलावा मैं इस यूज़र लॉगिन का फॉर्म बनाऊँगा अप्लाई का फॉर्म बनाऊँगा उसके बाद उसमें लॉगिन करूंगा तो चलिए इस प्रोजेक्ट में हम देखते हैं कहाँ पर इसको ये सब करना है तो माइग्रेट तो हो चुका है सर्वर रन करते हैं और मेरा जो होम पेज आप देख रहे हैं यहाँ पे इसी के अलावा मैं यहाँ पे अप्लाय डॉट ब्लेड डॉट पी भी लगा देता हूँ ठीक है जिसमें मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ अपने पेरेंट को ठीक है एक्सटेंड और इसका नाम है पेरेंट ठीक है इनहेरिटेंस की वजह से ये मैं कर पा रहा हूँ यहाँ पर आपने देखा होगा पेरेंट नाम का मैं फाइल बनाऊँ होम पे भी मैंने पेरेंट को एक्सटेंड किया था उसी तरीके से यहाँ अप्लाई में भी इसके बाद आ गया कंटेंट के ऊपर यानी सेक्शन बनाना होगा मुझे तो सेक्शन का नाम कंटेंट रखा था मैंने वो रख देता हूँ ठीक है उसके बाद एक कंटेनर उसके बाद एक रो और उसके बाद कॉल कॉल डैस् फोर या फाइव आप दे सकते हैं इसके अंदर कार्ड बनाते हैं कार्ड के अंदर कार्ड हेडर पहले सेक्शन देते हैं इसमें लिखते हैं अप्लाई फॉर एडमिशन ठीक है एक एडमिशन लेने के लिए ये फॉर्म को भरना होगा ठीक है इसके बाद कार्ड बॉडी अकार्ड बॉडी के अंदर में फॉर्म टैग लगाते हैं मेथड जो है इसका वो पोस्ट डाल देते हैं सिंपल है तो इस तरीके से हम यहाँ पे मार्जिन बॉटम थ्री और लेबल लेबल में हम डाल देते हैं नेम नेम के बाद मुझे चाहिए इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल फॉर्म कंट्रोल और इसका एक नाम बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि नेम ही होगा इसमें वैल्यू और ये ओल्ड और ये नेम ठीक है इस तरीके से इसके अलावा मुझे क्या चाहिए इसके अलावा मुझे यहाँ पे अगर वैलिडेशन का कोई एरर आता है तो वो दिखाने के लिए मुझे ये जगह चाहिए जो कि मैं टैक्स डेंजर में यानी लाल रंग के टेक्स में बना लेता हूँ ठीक है साइज ऑफ़ टैक्स स्मॉल होगा और जो भी मैसेज होगा वैलिडेशन का वो यहाँ पर ट्रिगर कर सकते हैं तो एम ई डॉ एस ए मैसेज तो ये एक कॉलम तैयार हुआ इस तरीके से मुझे अलग अलग उसके लिए वो चाहिए नेम जैसे है वैसे मुझे चाहिए कॉन्टेक्ट और इसी तरीके से मुझे चाहिए ईमेल के लिए फ़ादर नेम के लिए कांटेक्ट फादर नेम क्योंकि फादर नेम इसके अलावा एक इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट के लिए ईमेल आईडी चाहिए जो कि लॉगिन के पर्पज़ से भी इस्तेमाल होगा ईमेल ठीक है इसके बाद मुझे जेंडर चाहिए होगा तो मैं यहाँ पे जेंडर के लिए ऑप्शन चूज़ करवा देता हूँ जेंडर ठीक है अब ये जो जेंडर है ये इनपुट टाइप रेडियो बटन में इस तरह से बनेगा रेडियो इनपुट टाइप रेडियो और ये फॉर्म कंट्रोल का क्लास नहीं डालते हैं इसमें क्योंकि डिज़ाइन फॉर्म कंट्रोल का अलग होता है ठीक है मैं मेल फीमेल फ़ीमेल और अदर के लिए ऐसे डाल देता हूँ अदर के लिए ठीक है तीनों का जो वैल्यू होगा एक्चुअल में जो भी जेंडर का वैल्यू होगा वो आ जाएगा चलो ठीक है हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है मैं इसको हटा देता हूँ तो जो पब्लिकली जाएगा डेटा बेस के में जो जाएगा वो यहाँ पे वैल्यू लिखना बहुत ज़रूरी है तो मैं जानता हूँ कि मेल के लिए एम जाएगा एफ़ जाएगा और ओ जाएगा अदर के लिए तीनों का नाम जेंडर है तीनों रेडियो टाइप है और उसके बाद जो भी वैलिडेशन के अर आता यहां है वो यहाँ दिखेगा ठीक है ये भी और इस तरीके से मुझे और भी कॉलम चाहिए होंगे जैसे कि मैं थोड़ा फटाफट कर लेता हूँ ई के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि नेम ई मेल फ़ादर नेम कॉन्टैक्ट ई मेल जेंडर उसके एड्रेस ठीक है तो एड्रेस का जो एरिया है थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होना चाहिए इसलिए टेक्स्ट एरिया चूज़ कर लेता हूँ और ये जो टाइप है वो नहीं होगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ क्या होंगे और इसके बाद नेम ये छोटी मिट गया शायद तो ये जो फाइव लाइन ऑफ कोड दे देते हैं और इसका जो एंडिंग टैग होता है वो भी रख लेते हैं इस तरह से तो ये हो गया मेरा एड्रेस लिखने की जगह तो ये टैग भी इस तरह से काम करता है इसके अलावा इसके अलावा यहाँ पर हम पासवर्ड के लिए भी अवेलेबल कर देते हैं इनपुट टाइप पासवर्ड देखिए ये रो यहाँ पर नहीं लगेगा टेक्सट एरिया नहीं चाहिए अपने को इनपुट टाइप में बनाना है टाइप जो है वो पासवर्ड होगा और इसका इंडिंग टैग नहीं होता है ध्यान रखने वाली बात है और इसके बाद इसका जो पैराग्राफ है वो एरर वाला लाइन लगता है अच्छा ये चला गया था यहाँ पे मैं इसको थोड़ा इंड सही कर देता हूँ ठीक है ये पासवर्ड के लिए भी तैयार हो गया अब मुझे सबमिट बटन चाहिए मार्जिन बॉटम थ्री इनपुट टाइप बी टी एन बी टी एन बी टी एन डैस एक्सेस डब्ल्यू डैश हंड्रेड सबमिट नेम अला के बटन के लिए कोई नाम नहीं चाहिए वैल्यू में लिख देते हैं अप्लाई ठीक है apply, तो मैं इसका राउट वाउट तो नहीं बनाया जो कि यहाँ पे दिखेगा मुझे मैं इसको पूरा ब्लैंक देख रहा हूँ ठीक है मैंने जब सर्वर रन किया होगा तो ये डेटा अब तो रिमूव हो गया होगा तो ये ज्वाइन पे इस पर लिंक कर देते हैं इसका राउट बना देते हैं फटाफट देखो कैसे करना है सबसे पहले होम कंट्रोलर में जाना है होम कंट्रोलर में एक पेज और बनाने के लिए एक फंक्शन और यहाँ पे मेथड को ऐड कर देना है इसका नाम अप्लाई रख लेते हैं और ये रिटर्न करेगा एक व्यू पेज जिसका नाम होगा अप्लाई ठीक है सिंपल है और ये अप्लाई पेज को रिटर्न करेगा इसके अलावा मुझे क्या करना है यहाँ पर यहाँ पर अप्लाई पेज को ऐड कर लेंगे ट्रिगर कर लेंगे मतलब तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपका जो पैरेंट है उसमें एक नेब बार है उसमें जॉयनर्स लिखा हुआ है यहाँ पे इस जगह पे हमको इसका राउट का नाम लिखना है हालांकि राउट का नाम अभी अब अप्लाई लिखा नहीं है लेकिन मुझे पता है कि मैं अप्लाई नाम रखूँगा वेब डॉट पी एच पी में यहाँ पर ठीक है तो ये मेरे पास राउट है होम पेज का और ऐसे ही एक राउट बना देते हैं स्लैश अप्लाई तो ये स्लैश अप्लाई होम कंट्रोलर के अप्लाई पेज को चलाएगा इस राउट का नाम नहीं है तो नाम लिख देते हैं अप्लाई एक और चीज़ ऊपर वाले राउट का भी नाम नहीं है तो उसका नाम मेंशन कर देते हैं होम पेज ठीक है तो देखो ये लिंक मैंने किया है क्लिक करता हूँ स्लैश अप्लाई ओपन हो गया और ये फॉर्म आपके सामने दिख रहा है इसको थोड़ा बीच में लाने की कोशिश करता हूँ इसके बाद मैं इसका काम बाकी रेस्ट काम करूँगा तो ये कॉलेज जी फोर है इसको एम एक्स ऑटो देने से ये बीच में आ जाएगा मार्जिन टॉप फोर ठीक है तो ये अप्लाई का फॉर्म तैयार हो गया नेम कॉन्टैक्ट फादर नेम ई जेंडर एड्रेस एंड पासवर्ड देख लेता हूँ इसमें कोई कॉलम छूटा तो नहीं तो इसके लिए मैं जाता हूँ माइग्रेशन फाइल के पास नेम कॉन्टैक्ट ई मेल फादर एड्रेस जेंडर ई मेल पासवर्ड ठीक है तो ये फ़ॉर्म मेरा तैयार हो गया है इसे इंसर्ट कराना है ठीक है तो देखिए जो यूज़र का डेटा इंसर्ट हो रहा है उसमें हमको होम पेज में यहाँ पर लिखना है रिक्वेस्ट ये रिक्वेस्ट डिपेंडेंसी इंजेक्टर है जो कि हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं इसके अलावा यहाँ पर इफ़ और इसके बाद लिखेंगे डॉलर आर ई क्यू इज मैथड इज मैथड पोस्ट क्या ये मैथड पोस्ट है अगर ऐसा होता है तो डाटा एरो आर ई क्यू इसका वैलिडेशन करो वैलिडेशन एक एरे में पास करना होता है सिंगल कोड में यहाँ पे आपको डेटा डालना जैसे नेम पहला रिक्वायर्ड ईमेल मेल रिक्वायर्ड उसके बाद कॉन्टैक्ट इसके बाद फादर नेम ये रिक्वायर्ड है जेंडर रिक्वायर्ड है सभी फील्ड के नाम को ऐड कर देना है ठीक है ईमेल पासवर्ड रिक्वायर्ड है और एड्रेस रिक्वायर्ड है ठीक है इसको मैं चेक करता हूँ ये काम कर रहा है कि नहीं तो इसको डी जी करके मैं डेटा को प्रिंट कर दूँगा देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस राउट में मैथड पोस्ट भी काम करेगा इसलिए मैं गेट हटाकर मैच लिखूंगा और यहाँ पे सेकंड फर्स्ट पैरामीटर में एक एरे डालकर मेथड्स के नाम लिखूंगा जो जो मैच करेगा यानी गेट भी और पोस्ट भी तो अप्लाई पेज पे गेट भी काम करेगा और पोस्ट भी काम करेगा एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि अप्लाई के पेज में आपका इस जगह पर यानी फॉर्म के अंदर आपका सी एस आर एफ नहीं है तो सी एस आर एफ नहीं होने से ये फोर फोर हंड्रेड नाइनटीन का चार सौ उन्नीस का एरर देगा मैं चेक करा देता हूँ देख लीजिए मैं डेटा फीड करने की कोशिश करता रहा हूँ ठीक है देखो ये कॉन्टेक्ट नंबर ये फादर नेम ये ई मेल ये जेंडर ये एड्रेस ये पासवर्ड सबमिट कर रहा हूँ देखिए ये डीडी में सारा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन आ रहा है इसका मतलब बहुत अच्छे से काम कर रहा है बट ये पासवर्ड इंक्रिप्टेड नहीं है तो आपको इंक्रिप्टेड पासवर्ड बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए तो आप क्या करेंगे इस एरे में थोड़ा मैनिपुलेशन कर लेंगे जो पासवर्ड कॉलम है यानी की का नाम है आप देखें टू डायमेंशन एरे है इसलिए पासवर्ड की का नाम है यहाँ पे एसोसिएटिव एरे पी में कहते हैं इसे तो ये यहाँ पे बी वाई सी आर बाइक्रिप्ट बाइक्रिप्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं ये इक्वल टू होगा एरो नहीं होगा और यहाँ पर हम चाहते हैं डॉलर डाटा बड़ी ब्रैकेट पासवर्ड जो भी है वो इंक्रिप्ट हो जाए तो मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड इंक्रिप्टेड ही जाए ठीक है तो मैं चेक करता हूँ उसको रिफ्रेश करके देखो इंक्रिप्ट हुआ या नहीं देखता हूँ क्या एरर आता है थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा है पता नहीं थोड़ा सा लैग है, है। आ, बी सी आर वाई पी टी हाँ ये फंक्शन है मैं स्पेलिंग गलत कर दिया था इसलिए ये फंक्शन का एरर आ गया बिक्रिप्ट हाँ देखो ये इंक्रिप्टेड पूरी तरह से पासवर्ड हो गया है जिससे मेरा पासवर्ड एक्चुअल में जब भी जाएगा तो वो इंक्रिप्टेड जाएगा अब मैं चाहता हूँ इस मॉडल को बुला लेना तो देखिए ये यूज़र जैसे मॉडल आपका कोर्स होता है वैसे मॉडल आपका यूज़र भी होता है तो यूज़र मॉडल को आप ऐसे कर्ली ब्रैकेट में एक साथ इंपोर्ट कर सकते हैं इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे यूज़र दोबर कॉलम क्रिएट डॉलर डाटा इसके बाद आप रिटर्न रीडायरेक्ट और आपको जहाँ भेजना है वो तो फ़िलहाल अभी हम बैक कर लेते हैं और इसके बाद हम बता देते हैं कि यहाँ पे अप्लाई सक्सेसफुली हो गया है। तो इसमें एरर है तो हम यहाँ पे एरर मैसेज देने के लिए यानी फ्लैश मैसेज देने के लिए ला का तो लिखते हैं कि रजिस्टर्ड अप्लाई सक्सेसफुली अप्लाई सक्सेसफुली प्लीज़ लॉग इन ठीक है ऐसा ऐसे मैसेज दे देंगे दे दे। तो मैं वो डी हटा देता हूँ नहीं तो हाँ हटिए तो मैं दिखाता हूँ आपको डेटा डेटा में इंसर्ट हो जाएगा ये यहाँ पे मेरा डेटा बेस है जिसको मैं रिफ़्रेश करने की कोशिश कर रहा हूँ देखता हूँ कि डेटा इंसर्ट होता है या नहीं होता तो मुझे लगता है डेटा इंसर्ट हो जाना चाहिए लेकिन यहाँ पर कुछ जनरल एरर आ गया जिसमें कॉन्टेक्ट फील्ड के बारे में बता रहा है कि नहीं है जब कैसा है नहीं कॉन्टैक्ट फील्ड अच्छा मैंने लगता है कि वैलीडेशन में कॉन्टैक्ट छोड़ दिया लेकिन कॉन्टेक्ट फील्ड तो है तो एक्चुअल में कॉन्टैक्ट फुल फील्ड जो है मैंने ऐड किया था लेकिन मॉडल में ये नहीं बताया था कि ये फिलबल होगा देखिए यहाँ पे फिलेबल जितने भी कॉन्टैक्ट्स डिटेल है वो सब बताने पड़ते हैं तो आपको जितने भी कॉलम आपने ऐड किए हैं जैसे कॉन्टैक्ट फादर नेम और जो भी आपने ऐड किया है वो सब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा फादर नेम तो आपका नेम ईमेल पासवर्ड एड्रेस कॉन्टेक्ट फ़ादर नेम ठीक है तो तीन तीन छः और मुझे लगता है कि जेंडर छूट रहा है हाँ जेंडर तो जो भी इफ़िलेबल नहीं होगा वो इंसर्ट नहीं हो सकता तो आपको अफ़िलबल करना पड़ेगा तो यहाँ पर कॉन्टेक्ट का कोई डिफॉल्ट वैल्यू मांग रहा है हाँ देखिए डायरेक्ट बैक हो गया इसका मतलब अब इसको चेक कर लेना चाहिए देखिए ये डेटा इंसर्ट होता है या नहीं तो पता चलेगा कि डेटा इंसर्ट हो गया है ये देखिए यप तो कंफर्म कि मेरा जो अप्लाई वाला पेज है वो काम कर रहा है ठीक है अब इसी अप्लाई के इसी यूज़र आई और पासवर्ड के माध्यम से हम इसमें लॉगिन बनाएंगे ठीक है सब लोग देखें कैसे बनेगा तो इसके लिए हम लोग लॉगिन बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसी इसी अप्लाई वाले पेज के बाद एक और फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम होगा पब्लिक फंक्शन और लॉगिन ठीक है इसमें भी रिक्वेस्ट पास होगा रिक्वेस्ट डॉलर आर ई क्यू और उसके बाद यहाँ पर करली ब्रैकेट ठीक है तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे इफ डॉलर आर ई क्यू एरो इज मेथड क्या ये मेथड पोस्ट है पोस्ट मेथड भी मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे काम करे तो ये पोस्ट मेथड की जगह हो गई और रियल सिम्पली गेट मेथड बाहर में तो जो पेज बनाएंगे उसका नाम रखेंगे लॉग इन अभी रखा नहीं है वो पेज यहाँ पे व्यू कर देते हैं ठीक है तो मैं सिंपल सिंपल तरीके से बता दूँ कि मैं यहाँ पे चेक चेक करूँगा फॉर्म सबमिटेड एस यू बी एम आई टी ई डी ठीक है तो मैं चेक करूँगा फॉर्म सबमिटेड जब तब आएगा जब मैं फॉर्म सबमिट करूँगा तो इसी तरह से एक पेज बनाना है मुझे लॉग का तो सिंपली मैं यहाँ पे लॉग इन डॉट पी एच ब्लेड डॉट पी ठीक है तो लॉग इन डॉट ब्लेड डॉट पी और इसके बाद मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा अपना पेरेंट को एक्सटेंड पेरेंट ठीक है और यहाँ पे सेक्शन का नाम सेक्शन का नाम कॉन्टेक्ट बहुत आसानी से यहाँ पे कंटेनर इसके अंदर रो रो के अंदर कॉल डैश फोर एम एक्स आउटो उसके बाद कार्ड कार्ड डैश बॉडी कार्ड डैश हेडर ठीक है और इसमें लिख देते हैं एच टू या एच थ्री का इस्तेमाल करके लॉग इन हेयर ठीक है स्टूडेंट लॉग इन कर देते हैं ताकि पता चले कि स्टूडेंट लॉगिन यहाँ पे हो सकता है इसके बाद कार्ड बॉडी की ज़रूरत है कार्ड बॉडी फॉर्म टैग मेथड पोस्ट इसके बाद यहाँ पर सी एस आर एफ टूकन और मार्जिन बॉटम थ्री लेबल और इस लेबल में यहाँ पर लिख देते हैं ई मेल आई डी डालिए ठीक है तो पासवर्ड और ई मेल आई डी से ही लॉगिन होगा इसलिए मैं यहाँ पर इस तरह से लिख देता हूँ ये नेम ई मेल और इसका जो वैल्यू है वो ओल्ड वाला बचा रहे इसके लिए ये डाल देता हूँ ई मेल और इसके बाद यहाँ पर वैलिडेशन का कोड एरर और ई मेल ठीक है इस तरह से आप अगर फॉलो करेंगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा टेक्स डेंजर कलर का स्मॉल टेक्स में स्मॉल टेक्स में और कल ब्रैकेट डॉलर मैसेज ठीक है इसके बाद मार्जिन पासवर्ड ओके तो ये पासवर्ड के लिए तैयार हो गया ठीक है इनपुट टाइप इसका होगा पासवर्ड और इसका इनपुट टाइप कर देते हैं ईमेल क्योंकि ईमेल आईडी डालेंगे डालेगी एक बज गया बट सबमिट बटन और मार्जिन बॉटम थ्री इनपुट टाइप बी टी एन बी टी एन डैस सक्सेस डब्लू डैश हंड्रेड परसेंट सबमिट ठीक है वैल्यू पे लिखा रहेगा लॉग इन ठीक है तो ये मैंने पेज बनाया है अभी पेज इसको रेंडर नहीं किया तो ये दिखेगा नहीं बट मैं इसका राउट बना लेता हूँ वेब डॉट पीच पी में जाता हूँ जैसे मैंने इसका बनाया है मैच करके इसमें भी गेट और मैथड और पोस्ट मैथड दोनों अप्लाई होगा फंक्शन का नाम लॉगिन रखा था मैंने वही डाल लो और नेम भी लॉगिन रख लेता हूँ ठीक है तो ये बहुत आसानी से ये तैयार हो जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे इस होम कंट्रोलर में ये फंक्शन को रेंडर करेंगे लॉगिन के पेज पे क्लिक करने से ठीक है तो मैं चाहता हूँ कि स्लैश लॉगिन जब मैं करूँ आप स्लैश लॉगिन तो वो पेज खुल जाए चेक करूँ तो ये पेज खुल गया ठीक है थोड़ा सा मार्जिन बॉटम की ज़रूरत है तो मैं लॉगिन के पेज में जाता हूँ और यहाँ पर मार्जिन बॉटम दे देता हूँ ये कार्ड है यहाँ पे मार्जिन बॉटम फोर फाइव ठीक है थोड़ा सा नीचे आ जाएगा अब इसे लॉगिंग कैसे कराना है तो इसे लॉगिंग कराने के लिए हमको क्या करना होगा जो मेरे यहाँ जो डेटा जा रहा है वो मेरे इस कंट्रोलर में जा रहा है इस कंट्रोलर में जाने के बाद यहाँ पे इस मेथड सबमिटेड मैं चेक कर लेता हूँ सबमिट हो रहा है या नहीं हो रहा देखो फॉर्म सबमिटेड डी डी में डाई एंड ड्रॉप में डाला था मैंने तो ये काम कर रहा है इसके बाद मैं डेटा ले लूँगा डेटा लूँगा और उसके बाद लिखूँगा आर ई क्यू एरोल इससे मेरा दोनों डेटा आ जाएगा ईमेल और पासवर्ड दोनों इसके अलावा ऑल से अच्छा है कि मैं वैलिडेट कर लेता हूँ उसको वैलिडेट और इसके बाद यहाँ पर दो डेटा चाहिए मुझे ई मेल आई डी ई मेल नाम है इनपुट टाइप नेम और रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड और ये पासवर्ड ठीक है इसके बाद मैं यहाँ पर इफ ए यू टी एच ऑथ बार कॉलन अटैम्प्ट ठीक है ये लॉग इन अटैम्प्ट कर रहा हूँ मैं ठीक है ये जो ए यू टी एच दिख रहे हैं आप ये आपको इम्पोर्ट करना होगा तो लिखना है यूज़ ऑथ ऐसे भी लिख के आप यूज़ कर सकते हैं इसको ठीक है ये फैसेट है फैसेट को आप इम्पोर्ट कर सकते हैं अगर ये अटैम्प्ट लॉगिन का सक्सेसफुल हो जाता है तो ये डी डी बताएगा लॉग इन सक्सेस ठीक है और अगर नहीं होता तो ये एल्स काम करेगा तो इसमें डी बताएगा फेल्ड ठीक है मैं ट्राई करूँगा तो मैंने सही आई पासवर्ड तो अभी तक डाला नहीं है लेकिन अभी फ़िलहाल मैं जो सबमिट करूँ तो उसमें फ़ेल बताना चाहिए चेक कर लेता हूँ फेल आता है कि नहीं पता नहीं ये मूव कब रुकेगा थोड़ा सा लैग कर रहा है इसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा रिस्पॉन्स में टाइम लग रहा है बट आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर तो मुझे कोई एरर नज़र नहीं आ रहा है तो ये रिफ़्रेश हुआ है देखते हैं रिक्वेस्ट हो गया है देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है लेकिन यहाँ पे हमको अभी भी छोटा सा एरर दिखा रहा है ओ स देख लेता हूँ कहीं रिक्वेस्ट क्योंकि देखो ये इंडेक्सिंग में काफ़ी समय लग रहा है आ, ठीक है मैं चेक चेक करूँगा कि लॉग इन सक्सेस हुआ या फेल हुआ ठीक है तो इसके अलावा मैं एक दो डेटा इंसर्ट करने का सोच रहा हूँ ताकि मैं सही लॉग इन कर सकूँ अभी तो मुझे आई डी पासवर्ड मैंने जो इंसर्ट किया था मुझे याद ही नहीं कि मैंने क्या आई डी पासवर्ड डाला था तो इसकी वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम आए तो कोई बात नहीं मैं इसको सर्वर को एक बार कैंसिल कर देता हूँ दोबारा से इसको सबमिट करके देखता हूँ कहीं है दोबारा से ठीक ठाक हो जाए ठीक है ये इंडेक्सिंग नहीं होना चाहिए पता नहीं क्यों हो रहा है खैर जो भी टाइम लगेगा लगने देते हैं तब तक हम दूसरे काम को कर लेते हैं हाँ ये देखो आईपी एड्रेस मिला मुझे और ये अप्लाई का पेज और ये लॉगिन का पेज मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है और ये देखो सबमिट करके देखता हूँ सबमिट मैंने कर दिया आउटपुट में मुझे क्या मिलता है तो शायद सी एस आर एफ टोकन कैरियर आएगा मुझे लगता है कि यही आना चाहिए क्योंकि मैंने लॉगिंग के पेज में हाँ डाला है डाला सी एस आर एफ टोकन मैंने डाल रखा है तो देखते हैं कि क्या एरर आता है बेसिकली मुझे नहीं लगता कोई एरर आएगा लॉग इन का पेज बन के तैयार है और मुझे अब क्या करना है कि राउट्स को थोड़ा सिक्योर करना है कि कौन सा पेज को सिक्योर करना है लॉगिन होने के बाद वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें करनी होंगी लेकिन ये साथ ही नहीं दे रहा है रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा ठीक से इस इंडेक्सिंग की वजह से हो रहा है कोई बात नहीं तो हाँ रिक्वेस्ट तो गया तो मुझे अब ज़रूरत है सही पासवर्ड आई डालने की उसके बाद चेक करने की तो चूँकि मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ सही डाला है तो अभी तो फ़िलहाल आईडी और या पासवर्ड गलत है तो फेल आने का चांस ज़्यादा है तो कोई नहीं मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय और नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉगिन करके यूज़र का लॉगिन कंप्लीट करता हूँ ठीक है तो